आज हम समावयवता के बारे में कुछ जानेंगे, ठीक है। समावयवता का हमको मीन होता है जब भी आप, जैसे कि हम उसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब जैसे कि ये हमको दे रखा है आपका समावयवता, समावयवता का मतलब सम, सम के अंदर क्या होता है आपका सेम, व्यवता आपके अवयव हो गया, ठीक है। अवयव, अवयव का मतलब होता है एलिमेंट, जिसके समान अवयव या समान एलिमेंट होते हैं वह आपकी क्या कहलाता है, समावयवता। इसके अंतर्गत जैसे कि आपने हो, जैसे इसकी डेफिनेशन अपन लेते हैं, जो भी मॉलिकुलर है, जो भी मॉलिकुलर या तत्व यौगिक, तत्व या यौगिक जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला मतलब अणुसूत्र, जिनका अणुसूत्र, अणुसूत्र तथा उनकी ज्यामिति, ज्यामिति समान होती है, ज्यामिति समान होती है, समान होती है, वह क्या कहलाते हैं आपके समावयी अवयव, वह आपके क्या कहलाते हैं समावयी अवयव, ठीक है। ये आपके क्या कहलाएंगे समावयी अवयव या समावय, समावय, ठीक है, समावय। तथा इस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे समावयवता है, यह संपूर्ण प्रक्रिया या परिघटना, प्रक्रिया या परिघटना, परिघटना क्या कहलाती है समावयता, समा, ठीक है। जैसे भी कोई भी तत्व या यौगिक है जिनमें अणुसूत्र तथा उनकी ज्यामिति, उनका विन्यास समान होता है, वह सब समावयवी कहलाते हैं। तथा यह संपूर्ण प्रक्रिया या परिघटना क्या कहलाती है आपकी समावयवता, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। जो आपकी समावयवता होती है यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ठीक है। समावयवता आपकी है दो प्रकार की होती है, इसके अंतर्गत आपकी फर्स्ट संरचना समावयवता, ठीक है, सेकंड आपकी आएगी त्रिविमीय समावयवता, ठीक है। फर्स्ट आपकी आएगी संरचना समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, दूसरी आपकी आएगी त्रिविम समावयवता, ठीक है। समावयवता, समावयवता आपकी दो प्रकार की होगी, फर्स्ट आपकी आगे संरचना समावयवता, सेकेंड आपकी आगे त्रिविम समावयवता, ठीक है। इसके अंतर्गत आपकी जैसी पहले डेफिनेशन अपन ने देख ली थी, ठीक है, उस डेफिनेशन के अंदर आपका क्या था, वे भी समावयवता, समावयवता को इंग्लिश में आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिसके समान एलिमेंट होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार तत्व या यौगिक जिनके अणुसूत्र, ठीक है, मॉलिकुलर फॉर्मूले, ज्यामिति समान होती है, वह समावय कहलाते हैं, तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया या परिघटना को समावयवता कहते हैं, ठीक है। और समावयवता है, समावयवता यह आपकी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, फर्स्ट आपकी संरचनात्मक समावयवता, सेकेंड आपकी त्रिविम समावयवता, ठीक है। उसके बाद में आपकी समावयवता, फर्स्ट रचनात्मक समावयवता, सेकेंड आपकी आगे त्रिविम समावयवता, ठीक है। देन जो आपकी ये है, यह मुख्यतः पांच भागों में विभक्त होगी, ठीक है, और यह आपकी फिर से दो भागों में, एक तो आपकी कन्फॉर्मेशनल, कौन सी
विष्णु, ठीक है। दूसरी आपकी आ गई कन्फर्मेशन, कन्फर्म विष्णु, ठीक है। कन्फर्मेशनल के अंदर आपके कॉन्फिगुरेशन, कन्फर्मेशनल ये वापस एक भाग में आएगी, ये वापस आपके दो भागों में विभक्त हो जाएगी, ठीक है। इसके अंतर्गत आपकी फर्स्ट जैसे कि कॉन्फिगुरेशन होगी, और कॉन्फिगुरेशन फिर इसके अंदर वापस इसके दो एक ज्यामिति समावेता, और दूसरी आपकी प्रकाश समावेता, और तीसरी आपकी स्वरूपण समावेता आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार आपकी जैसे ये त्रिविम समावेता है, ठीक। त्रिविम समावेता की अपन अगर परिभाषा देखते हैं, ठीक है, त्रिविम समावेता की अपन अगर डेफिनेशन देखते हैं, त्रिविम, त्रिविम मतलब आपका क्या हो जाएगा, थ्री डी, या फिर इसको बोल सकते हैं अंतरिक्ष, ठीक है, स्पेस, ठीक। जब भी कोई तत्व या यौगिक, जब भी कोई तत्व या यौगिक जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला, इसको बोल सकते हैं आप अणुसूत्र, मॉलिकुलर फॉर्मूला अणुसूत्र समान होता है, सूत्र समान होता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला अणुसूत्र समान होता है, तथा उनका थ्री डी में विन्यास या फिर अंतरिक्ष में विन्यास, अंतरिक्ष में विन्यास भिन्न भिन्न होता है, वह आपका त्रिविम समावेता कहलाता है, ठीक है। यह आपकी त्रिविम समावेता, त्रिविम समावेता के अंदर मॉलिकुलर फॉर्मूला उसका समान होता है, तथा उसकी जो अंतरिक्ष में विन्यास होता है वो भिन्न भिन्न होता है, वो आपकी त्रिविम समावेता कहलाती है। ये आपके दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक कॉन्फिगरेशनल और एक कन्फर्मेशनल, दोनों ही आपके ये इंग्लिश वर्ड है। इसके अंतर्गत एक तो आपकी ये मूर्ति, इसके अंदर प्रकाशिक समावेता, प्रकाशिक इसको आप बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन, ठीक है। फिर ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन हो गया, ठीक है, या प्रकाशिक समावेता, अभी प्रकाशिक समावेता जो तत्व दर्शाते हो प्रकाशिक समावेता कहलाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आपकी एक आ गई ज्यामिति समानता, ज्यामिति समानता, ठीक है, ये आपकी ज्यामिति समानता आ गई। और इसके अतिरिक्त ये आपकी संरचनात्मक है, संरचनात्मक के अंदर आपकी फर्स्ट आ गई श्रृंखला समानता, श्रृंखला समानता, ठीक है। सेकेंड आपकी आ गई क्रियात्मक, समूह समावयवता, मध्याव्यता, मध्याव्यता, एक आ गई आपकी चलावयवता, ठीक है। आपके पूर्ण सिलेबस के अंदर मुख्यतः यह त्रिविम समावेता है, इसके अंतर्गत कन्फॉर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल दोनों समावेता दर्शाई जाएगी, और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपका आ जाएगा प्रकाशिक समावेता, ठीक है। इसको अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन, कॉन्फ़िगरेशनल उसको हमको विन्यासी समावेता कहते हैं अपन, इसके अंदर आपका आ जाएगा ज्यामिति समावेता और स्वरूपण समावेता, ठीक है। ज्यामिति समावेता, ज्यामिति समावेता परिभाषा एक बार वापस आपको सही से लिखवाए हैं, वे तत्व या यौगिक, वे तत्व या यौगिक जिनका अणुसूत्र सूत्र तथा
भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं तथा उनका 3D में विन्यास होता है। इसके बाद में दूसरा आपके ज्यामिति इस्तेमाल होता है। ज्यामिति सवाल था जिसको अपन इंग्लिश में लेंगे ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइजेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइजेशन। ठीक है, ज्यामिति समानता इसके अंतर्गत आपका अणुसूत्र समान रहेगा, अणुसूत्र समान तथा उसकी आकृति भिन्न रहेगी, आकृति या ज्यामिति भिन्न रहेगी, भिन्न रहेगी, वह आपकी क्या कहलाएगा? ज्यामितीय समानता। ठीक है, अगर ज्यामितीय समानता को अपन समझना समझना चाहें, जैसे कि अपन ने ले लिया एक एल्किन ले लिया, ठीक है, इसके अंदर जो भी इसकी इनको संरचना है वह इसकी इस समकक्ष और विपक्ष के आधार पर चलेगी, इसकी संरचना को दर्शाने के लिए समकक्ष एंड विपक्ष इसको अपन बोल सकते हैं, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, जो भी है ज्यामितीय समानता को समझाने के लिए इसकी जो आकृति है उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक समकक्ष होगी एक विपक्ष होगी। ठीक है, जैसे कि अपन ने ले लिया कार्बन, ले लिया कार्बन के साथ में ये ले लिया ए, ये ले लिया आपका बी, ये आपका ए और ये आपका बी। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? सिस फोन। इसी प्रकार आपने इधर ले लिया, ठीक है, ये हो गया आपका, ये वापस बी हो गया, ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, उसी प्रकार एक दूसरा आप जैसे कि अपन लेते हैं सिस ट्रांस के अंतर्गत के मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड, मैलिक अम्ल फ्यूमरिक अम्ल एंड फ्यूमरिक अम्ल। ठीक है, मैलिक अम्ल और फ्यूमरिक अम्ल। मैलिक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल। मैलिक अम्ल में अपन जैसे कि इसको हमको देखते हैं, मैलिक अम्ल के अंदर C,
वन सी ये आपका गया सी डब्लू एच सी डब्लू एच, ये एच हो गया, ये एच, ये आपका किस फॉर्म हो गया। दूसरा आपका जैसे कि इसी प्रकार इधर लेंगे सी डबल वन सी डबल ओ एच, उधर लेंगे सी डबल ओ एच, ये आपका कहलाएगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म है ये आपका कहलाएगा मैलिक एसिड, सॉरी ये ट्रांसफॉर्म है ये आपका कहलाएगा फ्यूमेरिक एसिड, इसको अपन लिख सकते हैं मैलिक अम्ल, मैलिक एसिड, और ये आपका आ गया फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, अब जैसे कि इसमें अपन देख रहे हैं जैसे ये कार्बन ये सेंटर वाला ले लिया, इसके अगर जो दोनों इसको अगर ऊपर से इस टाइप से इसको डिवाइड करें तो ये दोनों एक साइड में आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका सिस। ठीक है, सेम इसी प्रकार अगर अपन को यहाँ से इसको अगर सिमिलर एक करके देखते हैं तो दोनों अपोजिट दिशा के अंतर्गत आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, ये आपका मैलिक एसिड और ये आपका फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद में का मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, ये हो गया। कुछ एग्जांपल अपन देख लेते हैं, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर अपन ने देख लिया जैसे कि अपन ले लो कार्बन कार्बन एल्कोहल, ठीक है, CH3 CH2, ये आपके फॉर्मूला बन गया C2H3, C2 आपका आ गया H, तीन बच्चे हैं सिक्स और फोर। ठीक है, सेम इसी प्रकार इसमें अपन देख लेंगे और दूसरा अपन इसका देख लेंगे। अब ये आपका हो गया एक कार्बन है मेथनॉल, दो कार्बन है तो आपका ये क्या रहेगा एथेनॉल, तो इसको अपन बोल समझ सके एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, सेम ये है इसका क्या अणुसूत्र आपका समान है, इसमें अपन देखते हैं कार्बन की कितनी संख्या है एक और दो। ठीक है, कार्बन की आपकी कितनी होगी दो, हाइड्रोजन अपन देख लिया इसके अंदर हाइड्रोजन कितनी है तीन चार पांच और एक छः, इसी प्रकार आपका ऑक्सीजन हो गया तो ऑक्सीजन आपका एक आ गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार अपन इधर देखते हैं, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन का एक आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन आपका ये कार्बन के दो, ठीक है, हाइड्रोजन के आपके तीन। ठीक है, उसको अपन डाइमिथाइल बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके क्या हो गया डाइमिथाइल और ये आपका एथेनॉल, ये है इसमें क्या है ये क्रियात्मक समूह कौन सा है ओ एच का। ठीक है, ये आपका क्या हो गया हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और ये आपका कीटोनिक फॉर्म में है ओ। ठीक है, वो आपके जुड़ जाएगा, ये आपका हो गया कीटोनिक फॉर्म में ऑन। ठीक है, ये दोनों आपके इसमें, इसके और एग्जांपल अपन है इसमें, मतलब इसके अंदर दोनों ही फॉर्मूला के अंदर आपकी कार्बन सेम है, हाइड्रोजन भी सेम संख्या होगी, ऑक्सीजन की संख्या भी सेम होगी, मतलब ज्यामिति समावेशिता के अंदर आपके अणुसूत्र समान होगा जबकि उनकी समावेशिता ये उनका आकृति है वो भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, इसके अंदर अपन ले लेते हैं वन टू ब्यूटाडाइन, एक दो ठीक है, PH3 यहाँ आप ले लो एक, इसको डबल बॉन्ड कर दो, कार्बन की वैलेंसी चार होती है, आप इसको पूर्ण करो का एच हो जाएगा, ये आपका CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका CH3 हो गया। ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी होगी एक दो तीन चार, तो आप इसमें जो कार्बन लिखते हैं तो ये कार्बन की संख्या कितनी होगी चार, तो
हाइड्रोजन देखते हैं, 3 और 3 6 7 और 1 8, आपका हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, ठीक है। तो C4H8, और में आपके आ जाएगा। इसी प्रकार इसका अपोजिट अगर देखते हैं अपन, ठीक है, ये आपके डबल बॉन्ड C आ जाएगा, ये CH3, ये आपका H, एंड ये आपके CH3 और H। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें सिस कंडीशन फॉर्म कौन सी और ट्रांस कौन सी है, ठीक है। जिसके अगर सेम साइड है तो वो आपका क्या हो गया, सिस, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं संपर्क। जिसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो वो आपको क्या हो जाएगा, सिस, उसके बाद में ये आपका आ जाएगा ट्रांस, ठीक है। ये आपका ट्रांस, ट्रांस को आप बोल सकते हैं विपक्ष, ठीक, सिस और ट्रांस, ठीक है। संपूर्ण तौर से ये आपके हो गया। इसके अलावा अपन अगर कोई आपके हाइपोथेटिकली कोई आ जाता है तो अपन किसी भी कारण, जैसे कि क्लोरीन का ले लो, Cl C डबल बॉन्ड C, और ये आपका Cl H, ये आपका H, ठीक है। दूसरा वाला इधर आ जाएगा आपके, वापस सेम इसी प्रकार आप क्लोरीन ले लो, Cl Cl H, और ये आपका H, ठीक है। और इसके अंदर तो आपके जो जैसे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, ये क्या कहलाएगा आपका, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सेम डायरेक्शन में आपका तो ये क्या कहलाएगा आपका, सिस, इसको बोल सकते हैं आप, ये संपक्ष हो गया आपका, विपक्ष हो गया, ठीक है। इन दोनों की अगर अपन अणुसूत्र की बात करें तो इसके अंदर जैसे कि आपके दो क्लोरीन के अणु, इसमें भी आपके दो क्लोरीन के अणु, कार्बन के दो, ठीक है, तो इसके कार्बन के दो हो गया, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, दो, इसमें हाइड्रोजन भी दो हो गया। अगर इसका अपन हम मॉलिकुलर फॉर्मूला देखें तो अपने ये हो जाएगा C2H2 और Cl2, ठीक है। दो कार्बन है आपके, दो हाइड्रोजन आ गए, और दो आपके ये Cl आ गए, कार्बन की वैलेंसी 4 संपूर्ण हो जाएगी, कम्प्लीट। इसी प्रकार ये आपका सिस हो गया, ये आपका सिस, ये आपका ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। ज्यामिति समानता वह समानता होती है जिसके अनुसूत्र तो आपका समान रहता है, तभी उनकी ज्यामिति भिन्न भिन्न रहती है। आपकी क्या कहलाती है, ज्यामिति समानता। ये कुछ एग्जाम्पल ये है, इसके अलावा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपको वही था जो मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, इसके अंदर आपको समानता बतानी पड़ती है। तो इसके अंदर कौन सी समानता, आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या इसको बोल सकते हैं आप ज्यामिति समानता, ठीक है। ये आपका सब चीज में इम्पोर्टेंट आएगा। इसके अलावा आगे अपन देखते हैं,